एवरीवन वन सो अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक हमारा का सो तो क्या होते हैं और किस तरीके से नेचर में काम करते हैं इनके टाइप्स क्या होते हैं सब बातें करेंगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं का अगर मैं एक बार आपको सिंपल वे में आपको समझाऊं कि क्या होते हैं तो आप कहेंगे कि का मतलब होता है एलगी एंड फंजाई का एसोसिएशन राइट एलगी एंड फंजाई साथ साथ रहते हैं तो ये एसोसिएशन लाइकेन कहलाता है अब यहां पर ये जो एलगी है ये दो क्लास से बिलोंग करेंगे ये हो सकता है क्लोरोफाइसी एलगी हो क्लोरोफाइसी के या ये ब्लू ग्रीन एलगी साइनोफाइसी वाले एलगी हो। वैसे ही जो फंजाई होते हैं वो भी दो क्लास से बिलोंग करते हैं एक तो होते हैं एस्कोमाइसिटीज के एक होते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ के तो एलगी एंड फंजाई का म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है वो लाइकेन कहलाता है एक बार बात करेंगे अपन इसके जनरल इंट्रोडक्शन की कि जैसे लाइकेन टर्म किसने दिया लाइकेन टर्म थियोफ्रेस्टस ने दिया था इट वॉज गिवन बाय थ्रेस्टस एक चीज लाइकेन है वो थियोफ्रेस्टस ने दिया था उसके बाद में लाइकेन की जो टेक्सोनोमी है उसकी स्टडी या उसके बारे में बताना वो सब जिन्होंने किया वो थियोफ्रेस्टस के स्टूडेंट रहे हैं उनका नाम है इरिक अकेरियस इरिक अकेरियस इरिक अकेरियस ही वाज द स्टूडेंट ऑफ थियोफ्रेस्टस स्टूडेंट ऑफ थियोफ्रेस्टस दो चीजें और आपको याद रखनी चाहिए एक तो फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी कौन है फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी। लाइकेन साइंस है उनके फादर कौन है तो फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी यही है एरिक अकेरियस जब नाम फादर का आया है कि फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी तो एक और नाम बनता है फादर ऑफ इंडियन लाइकेनोलॉजी यहां पर नाम याद रखना आपको धारणी धर अवस्थी अब आप इसको चाहे तो धरनी धर रीड कर सकते हैं या धारनी धर कर सकते हैं ये धरनी धर या धारणी धर अवस्थी इन्होंने लाइकेन की इंडिया में खूब स्टडी कर रखी है सो इनके ऑनर में फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी इंडियन लाइकेनोलॉजी का क्रेडिट इनको जाता है तो ये तीन चार तो नाम हो गए साइंस साइंटिस्ट से रिलेटेड किसने क्या कर रखा है नाउ एक और नाम आपको याद रखना है एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है क्रोम्बी क्रोम्बी कौन है ये साइंटिस्ट इन्होंने लाइकेन के लिए एक हाइपोथेसिस दी थी जिसे कहते हैं मास्टर एंड स्लेव हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस मास्टर एंड स्लेव हाइपोथेसिस किसने दी है क्रोम्बी ने दी है लाइकेन के लिए और ये जो मास्टर एंड स्लेव हाइपोथेसिस है इसी का दूसरा नाम है हेलोटिज्म तो हम ऐसे लिख सकते हैं ऑल्सो नोन एज एलोटिज्म एलोटिज्म ये जो हाइपोथेसिस है ये मोस्ट एक्सेप्टेड है इट इज मोस्ट एक्सेप्टेड तो ये इतनी सी बातें हैं कुछ साइंटिस्ट के नाम वगैरह से रिलेटेड uh, अब आगे दूसरी बात करते हैं अगर हम लाइकेंस के जनरल करेक्टर्स की बात करें अभी जनरल करेक्टर्स पे डिस्कशन कर लेते हैं तो लाइकेंस के अंदर जो एलगी है इसको कहते हैं फाइको बायोंट। फाइको बायोट और जो फंजाई है इसको कहते हैं माइकोबायोंट तो फाइकोबायोंट एंड देन उसके बाद जो होते हैं वो एयर पोल्यूशन को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है स्पेशली एसओ टू को लेकर के ये चीज इंटरव्यूज में भी पूछी जाती है एग्जाम्स में भी पूछी जाती है सो लाइकेन्स आर वेरी सेंसिटिव

इनके अंदर दो पार्टनर्स हैं लाइक एलगी एंड फंजाई इनमें से जो माइक्रोबायट होता है वो मेजर पार्ट होता है मेजर पार्ट और एलगी है वो थोड़े कम होते हैं माइक्रोबायट या फंजाई है वो ज्यादा होता है इसके अंदर देन इनको लेकर के एक कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसे कहते हैं ओलो थ्योरी होलोबायोंट थ्योरी लाइकेंस के लिए होलोबायोंट थ्योरी है होलोबायोंट थ्योरी क्या कहती है कि जो लाइकेन होता है वो अपने आप में एक छोटा सा इकोसिस्टम है इकोसिस्टम किसे कहते हैं कि जब कम से कम दो डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स एक ही एरिया में एक ही समय पर प्रेजेंट हो और वो दोनों आपस में इंटरेक्शन करते हो तो उसे इकोसिस्टम कहते हैं है ना तो ये जो है दो अलग स्पीसीज हो गई एल्गी फंजाई और ये आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं एक ही साथ रह रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू होलोबायोन्ट थ्योरी आर मिनिएचर इकोसिस्टम लाइकेचर इको सिस्टम है एक छोटा सा वेल बिहेविंग इकोसिस्टम है नेचर के अंदर रन कर रहा है सो होलोबायोड थ्योरी का मतलब ये हो गया ना उसके बाद में लाइकेन की जो बॉडी होती है वो तो थैलोइड होगी जाहिर सी बात है ना क्योंकि एलगी है वो भी थैलोइड है फंजाई है वो भी थैलॉइड है तो थैलॉय बॉडी के होते हैं ठीक है थैलोइड बॉडी हो गई फिर उसके बाद में एल्गी का काम क्या है एल्गी का काम है फूड सिंथेसिस करना फूड सिंथेसिस और फंजाई का काम क्या है एक तो चीजें एब्जॉर्ब करना एब्जॉर्बशन इनऑर्गेनिक मैटर हो गया वाटर हो गया ये एब्जॉर्ब करना और एब्जॉर्ब करने के साथ साथ रिटेंशन ऑफ वाटर रिटेंशन ऑफ वाटर पानी को इकट्ठा करके रखना अपने अंदर ताकि पानी की कमी ना पड़े कभी भी एलगी के लिए क्योंकि एलगी को तो पानी चाहिएगा ना इसलिए ये रिटेंशन ऑफ वाटर का भी यही होता है नाउ अब अगर अपन रिप्रोडक्शन की बात करें रिप्रोडक्शन तो एज लाइकेन ये तीन टाइप के रिप्रोडक्शन करते हैं एज लाइकेन का मतलब हो गया अगर हम दोनों को कंसीडर करें तो इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन इनमें पाए जाते हैं फिर उसके बाद में यदि हम इसमें ओनली एलगी पार्ट की बात करें वे यहां एलगी है तो एलगी जो है वो ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा ओनली एसेक्सुअल यानी कि एलगी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना नहीं आता यदि हम फंजाई की बात करें तो फंजाई है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं एक तो है फीमेल पार्ट या फीमेल सेक्स ऑर्गन और एक होगा मेल सेक्स ऑर्गन मेल पार्ट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ये फंजाई है वो मोस्टली बिलोंग कर रहे हैं एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज से राइट एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज के फंजाई में जो मेल एंड फीमेल पार्ट है वो पिकनीडियम स्पर्मेटोगोनियम कार्पोगोनियम वो सब है इनका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो इस तरीके से कॉइल्ड रहता है ऐसे ये इनके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की स्ट्रक्चर है इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पूरे को कहते हैं कार्पोगोनियम पूरा पार्ट है वो कहलाता है कार्पोगोनियम कार्पोगोनियम में से जो नीचे वाला जो कॉइल्ड पार्ट है इसको बोलते हैं एस्कोगोनियम एस्को गोनियम और ये तभी होगा जब का फंजाई होगा क्योंकि जो बेसिडियो के फंजाई होते हैं उनमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेचारों में पाए नहीं जाते हैं और ऊपर का जो ये फिलामेंटस पार्ट है इसे कहते है ट्राइको गाइनी ट्राइको गायनी ये तो हो गया बात किसके बारे में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और जो मेल पार्ट है वो फ्लास्क के जैसा होता है लेकिन अभी पिकनीडियम तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है तो इसे कहते हैं इस पर मेटोगोनियम, और इस स्पर मेटोगोनियम के अंदर इस तरीके से स्पर मेटिड बनेंगे ये स्पर मेटिड्स हैं वो बन जाते हैं बाकी अपन ने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रखा है किसमें ये एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में वैसा ही टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कुछ अलग तरीके का नहीं होगा तो ये हो गई बात इनके बारे में देन नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट इज की की जो ग्रोथ होती है वो एक्सट्रीमली स्लो होती है ग्रोथ ग्रोथ इज एक्सट्रीमली स्लो इतनी स्लो ग्रोथ क्यों होती है उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि लाइकेन्स में फोटोसिंथेसिस करने के लिए तो एक ही ऑर्गेनिज्म है और फूड खाने के लिए दो ऑर्गेनिज्म है एलगी फोटोसिंथेसिस करता है अकेला लेकिन फूड तो एलगी और फंजाई दोनों को लिए चाहिए इसलिए ग्रोथ स्लो हो जाती है बिकॉज स्लो फोटोसिंथेसिस होती है ड्यू टू स्लो फोटोसिंथेसिस स्लो फोटो सिंथेसिस हो गई बात अपनी किसकी ग्रोथ के बारे में नाउ एक और खास चीज मैं आपको बता देता हूं कि लगभग लगभग सारे के सारे लाइके किसी ना किसी टाइप का एसिड रिलीज करते हैं ऑलमोस्ट ऑल लाइके रिलीज ए केमिकल कोई ना कोई टाइप का केमिकल जरूर रिलीज करते हैं अब वो तो अभी थोड़ा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे अपन तो उसके अंदर कवर हो जाएगा बाकी आप ध्यान रखिए लाइकेंस जो है वो केमिकल रिलीज करते हैं फिर नेक्स्ट है हमारे पास में क्लासिफिकेशन लाइकेन का क्लासिफिकेशन लाइकेन को एड्सच किसी ने बहुत अच्छे से क्लासिफाई नहीं कर रखा रीज़न ये है कि लाइकेन को क्लासिफाई करने का मतलब नहीं बनता है भाई लाइकेन के अंदर जो क्लोरोफाइसी के एलगी हैं उनका क्लासिफिकेशन हो रखा है क्लोरोफाइसी और जो साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एलगी के एलगी मेंबर हैं उनका भी क्लासिफिकेशन तो हो रखा है सिमिलरली फंजाई के अंदर जो मेंबर्स एस्कोमाइसिटीज के हैं उनका एस्कोमाइसिटीज में हो रखा है और जो बेसिडियोमाइसिटीज के हैं उनका क्लासिफिकेशन बेसिडियोमाइसिटीज में हो रखा है तो फिर लाइकेन का क्लासिफिकेशन होगा कैसे बताओ ऐसा तो है नहीं कि लाइकेन के लिए अलग क्लास अलग ऑर्डर अलग फैमिली बनाई जाए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना एक ही मेंबर है वो एलगी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी पर्टिकुलर फैमिली पर्टिकुलर ऑर्डर का है लाइकेन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी और ऑर्डर का है नहीं हो सकता ना इसलिए क्लासिफिकेशन होता है लाइकेन का वो नेचुरल क्लासिफिकेशन नहीं है इनके लिए अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है बताता हूं आपको क्लासिफिकेशन में देर इज नो नेचुरल क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन कैसे करना है इनका देख लेते हैं सबसे पहला है बेस्ड ऑन हैबिट आर्ट हैबिटार्ट के बेसिस पे पहला टाइप का जो है उन्हें कहते हैं सेक्सिकोल्स कॉल्स। दूसरे जो हैं इनको कहते हैं कॉर्टिकॉल्स तीसरे जो हैं इनको कहते हैं एरिकोल्स और चौथे हैं वो इनको कहते हैं लिग्निकोल्स ये हो गए हमारे पास में चार टाइप के लाइकेंस बेस्ड ऑन हैबिटेट अब हैबिटेट तो जाननी जरूरी है इनकी कहां-कहां रहते हैं मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूं एस फॉर सेक्जिकोल एस फॉर स्टोन पत्थर के ऊपर अब स्टोन की जगह है वो रॉक आ सकता है तो यहां पर होंगे ये कॉर्टिकोल कॉर्टिकोल कॉर्टेक्स टेक्स पाया जाता है प्लांट्स के अंदर ये पाए जाते हैं ट्री बार्क के ऊपर ट्री बार्क में जो कोई पेड़ होगा तो पेड़ के छाल के ऊपर पाए जाते हैं कॉल टेरिस्ट्रियल तो ऑन टेरिस्ट्रियल टेरिस्ट्रियल या सॉइल बोल सकते हैं अपन और लिगनी ज्यादा किसमें पाया जाएगा जो पुराने लकड़ी के टुकड़े होंगे जाहिर सी बात है ना कि लिग्निन तो जब मेच्योरिटी आती है तब बनता है इसलिए यह पाया जाएगा ओल्ड वुड में या फिर जो जल जाती है लकड़ी वुड यह तो हो गया इनका हैबिटाट की कौन सा कहाँ पाया जाता है अब इसके बाद में इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं अब यही एग्जाम्पल्स जो है वो बार बार घूम घूम के आते रहेंगे हमारे सामने जैसे सेक्जिकोल्स वाले जो हैं वो इसमें एक एग्जाम्पल आएगा डरमेटो कारपोन डर मेटो कार्पोन अब मैंने तो कैसे याद कर रखा है वो बता देता हूं डरमेटो दीवार के ऊपर लगता है दीवार पे तो खैर नहीं होते पर दीवार एक पत्थर चट्टान जैसा सा कुछ पार्ट हो गया डरमेटो दीवार के ऊपर लगता है तो ये आ जाएगा स्टोन या रॉक के ऊपर सेक्जिकोल्स दूसरा देखो ये है पारमेलिया एक तो और एक होता है असनिया पारमेलिया एंड असनिया अभी अपन आगे पढ़ेंगे ये जो असमिया होता है वो उल्टा लटका हुआ होता है दीवार के ऊपर सॉरी दीवार पे नहीं पेड़ के ऊपर उल्टा लटका हुआ होता है और पारमेलिया है उसको भी हम इसी से याद रखेंगे ये भी पेड़ के ऊपर होता है नेक्स्ट टेरिकोल्स देखिए टेरिस्ट्रियल सरफेस के ऊपर ये है क्लेडोनिया और एक आएगा कोलेमा अभी अपन एक पढ़ेंगे रेंडियर मोस क्लेडोनिया रेंजिफेरा रेंडियर मोस अब रेंडियर मोस इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक डियर है हिरण है रेंडियर वो उसको खाता है तो हिरण कब खा पाएगा जब वो जमीन पर रहेगा तब खा पाएगा इसलिए जमीन पर उगने वाला है क्लेडोनिया और क्लेडोनिया के साथ दूसरा वाला है सी से स्टार्ट होता है कोलेमा ये भी यहीं पे है और लास्ट जो बच गया वो है साइफेलियम ये हो गया हमारे पास बेस्ड ऑन हैबिटेट अब इस हैबिटाट के बेसिस के ऊपर एज क्लासिफिकेशन तो नहीं है पर थोड़ा सा अलग से अपन समझ लेंगे एक फ्रेश वाटर लाइकेन है फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर लाइकेन है इसका नाम है हाई मेनेलिया हाई मेनेलिया का याद रखो हाइजीनिक हाइजीनिक फ्रेश वाटर वाला है और एक मेरिन वाटर के अंदर भी होता है एग्जाम्पल है अपने पास तो मेरीन वाटर का है क्लेडोप्लाका मेरीना क्लैडो प्लाका मेरीना क्लेडो प्लाका मेरीना ये हुआ बेस्ड ऑन अब उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टाइप का क्लासिफिकेशन है इनका बेस्ड ऑन देयर फ्रूटिंग बॉडी क्योंकि अभी अपन ने ऊपर एक चीज लिखी है कि जो फंजाई पार्ट है वो ज्यादा है तो मतलब मेन पार्ट फंजाई हुआ इसलिए फंजाई के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है वो मेन क्लासिफिकेशन रहेगा सो नाउ वी कैन से दैट दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ रूटिंग बॉडी ऑफ फंजाई जाहिर सी बात है एलगी तो बनाते नहीं है फ्रूटिंग बॉडी फंजाई बनाते हैं तो फंजाई की फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर बेस्ड है ये फंजाई की फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर बेस्ड है ये किसने दिया क्लासिफिकेशन इट वाज गिवन बाय जाल ब्रेकनर जाल ब्रेकनर 1907 के अंदर दिया अब इसके अकॉर्डिंग इन्होंने दो ग्रुप बनाए बिल्कुल सही है दो ग्रुप बना लिए पहला ग्रुप जिसके अंदर एस्को सिटीज वाले पंजाई होंगे इसे कहेंगे एस्कोलाइकेंस दूसरा जिनके अंदर बेसिडियो माई सिटीज वाले होंगे इन्हें कहेंगे बेसिडियो lichens basidiol lichens ascol lichens basidiol lichens और ascol lichens एक तो नाम से स्पष्ट हो गया फंजाई किन ग्रुप का है फिर इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है उसके बेस पे भी होगा तो जैसे ascol lichens में हो जाएगा जो फंजाई है वो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है दूसरा पार्ट है कि एस्कोलाइकेस आर मोस्ट कॉमन मोस्ट ऑफ लाइकेन्स एस्कोलाइकेस ही होते हैं तीसरा है जो एलगी पार्ट रहेगा इसमें वो रहेगा क्लोरोफाइसी का क्लोरोफाइसी, ये है मेन और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो रेयर होता है मतलब रेयरली ही ब्लू ग्रीन एल्गी एस्कोलाइकेंस बनाते हैं तो मोस्टली क्या बनाते हैं क्लोरोफाइसी वाले या ग्रीन एलगी बनाते हैं अब एस्कोलाइकेंस खुद दो टाइप का है टू टाइप्स कैसे? एक जिनके अंदर फ्रूटिंग बॉडी एपोथीसिया बनती है दूसरे जिनके अंदर फ्रूटिंग बॉडी पेरीथीशियम बनती है तो पहला टाइप आएगा इसके अंदर जिम्नोकार्पी जिम्नो कार्पी जिम्नोकार्पी जिम्नो वाले लाइकेन आएंगे फ्रूटिंग बॉडी जिनके अंदर एपोथीशियम है इनकी फ्रूटिंग बॉडी एपोथीशियम एपोथीशियम सो so, इनका दूसरा नाम है डिस्कोलाइकेन ऑल्सो नोन एज डिस्को लाइकेन कौन आएगा डिस्कोलाइकेन के अंदर पार्मेलिया एग्जाम्पल है पार्मेलिया अब दूसरा देखते हैं अपन जिम्नोकार्पी के बाद दूसरा है पाइरेनोकार्पी पायरेनोकार्पी के अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी है वो पेरिथीशियम है स्क के जैसी पेरिथीशियम पेरिथीशियम और इसके अंदर इनको दूसरे नाम से भी जानते हैं दे आर ऑल्सो नोनेजल्सो नोनेज पाईरेनोलाइके पाईरेनो लाइके और एग्जाम्पल में कौन आएगा डरमेटो डर्मेटो डरमेटो तो ये हुआ हमारे पास में एस्कोलाइकेन के बारे में कंप्लीट की एस्कोलाइकेन क्या क्या है अब अपन बात करते हैं आ, के बारे में इन केस ऑफ बेसिडियो जो फंजाई पार्ट है वो बेसिडियो माइसिटीज का होगा जाहिर सी बात है ना दिखती सी बात है तो जो फंजाई पार्ट है इट बिलोंग्स टू बेसिडियो माइसिटीज ठीक है फिर उसके बाद में अब क्योंकि मोस्ट ऑफ द लाइके वो एस्को होते हैं तो दे आर लेस देन एस्को एस्कोलाइके मतलब एस को से तो कम ही होते ना ये लेस देन एस को लाइके अब इनमें जो एलगी पार्ट है एलगी पार्ट वो होता है ब्लू ग्रीन एलगी एलगी पार्ट इज ब्लू ग्रीन एलगी याद रखने का तरीका भी आ गया यहां पे बी फोर बेसिडियोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के साथ कौन पार्टनर बनेगा तो ब्लू ग्रीन एलगी तो ब्लू ग्रीन बेसिडियोमाइसिटीज पार्टनर हो गए तो फिर बचे हुए के अंदर एस्कोमाइसिटीज वालों के साथ क्लोरोफाइसी या ग्रीन वाले जो हैं वो करते हैं नाउ आगे बात करते हैं इनके बारे में कि बेसिडियोमाइसिटीज वाले बस इतना ही है एग्जाम्पल है अब इनको कोई टाइप्स में नहीं डिवाइड किया है सीधा एग्जाम्पल है इनका एक तो है कोरेला लाइकेन का नाम है कोरेला और दूसरा है डिक्टियोनेमा डिक्टियोनेमा ये रहेगा अपने पास में ठीक है तो ये हो गया बेस्ड ऑन फ्रूटिंग बॉडी नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो आ, दो साइंटिस्ट आपको पता ही है पंजाई के अंदर एलेक्सो पोल्स एंड मिम्स एलेक्सो पोल्स एंड मिम्स 1979 ये इन्होंने तीन ग्रुप में बांटा लाइकेन्स को एक एस्कोलाइकेंस, दूसरा बेसिडियो और तीसरा है ड्यूटेरोलाइकेंस ये तीन टाइप के लाइकेंस हैं अकॉर्डिंग टू अलेक्स एंड मीम्स। अब अपन एक बार छोटी सी बात कर लेते हैं इनके एलगी पार्टनर के बारे में जैसा मैंने आपको ये बताया कि जो एलगी होते हैं वो दो ग्रुप से बिलोंग करेंगे एक तो होंगे क्लोरोफाइसी और दूसरे होंगे साइनोफाइसी या आप कह सकते हो ब्लू ग्रीन एलगी ब्लू ग्रीन एलगी ये दो ग्रुप हो गए इनके अब जो ये क्लोरोफाइसी वाले हैं क्लोरो परसेंट तो यही होते हैं 80 परसेंट और ब्लू ग्रीन एलगी होते हैं ट्वेंटी परसेंट मतलब पूरे लाइकेंस के अंदर देखा जाए तो 80 परसेंट लाइकेंस में क्लोरोफाइसी वाले होते हैं और ब्लू ग्रीन एलगी होते हैं 20 परसेंट के आसपास में फिर उसके बाद में एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि एक एल्गी है जिसका नाम है रेबोगियाब्जिया ट्रेबोगिया एक यूनिसेलुलर एलगी है और ग्रीन एल्गी है यूनिसेलुलर ये मोस्ट कॉमन होता है लाइकेन्स में मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा ट्रेबोक्सिया बनाता है लाइकेन एसोसिएशन ट्रेबोक्सिया के अलावा अदर कौन कौन से हैं एक का नाम है कोकोमिक्सा कोकोमिक्सा नाम में तो इसके मिक्सा है पर ये मिक्सोफाइसी साइनोफाइसी का नहीं है एक का नाम है प्रोटोकोकस प्रोटोकोकस है वो भी नाम में तो प्रोटो है पर ये भी ब्लू ग्रीन एलगी नहीं है हो ही गया क्लोरेला आप सब जानते हैं अच्छे से और न्यूरो प्लू न्यूरो और एक आएगा क्लेडोफोरा क्लैडो Clado, तो ये हुआ हमारे पास क्लोरोफाइसी के बारे में ये ये होते हैं अब यदि अपन ब्लू ग्रीन एलगी की बात करें कौन कौन है तो इसमें आएगा माइक्रोसिस्टिस और एक आएगा नोस्टोक एक आएगा साइटोनिमा साइड सोनेमा तो एक आएगा एनाबीना ग्लोयो कैप्सा एक आएगा रिवुल एरिया ये सारे के सारे ब्लू ग्रीन एलगी हैं उनके मेंबर्स हैं नाउ हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन में हमने हैबिटाट के बेसिस पे देखा और दूसरा हमने आ, जो फंजाई है उसकी फ्रूटिंग बॉडी है फंजाई के बेसिस पे देखा अभी अपन थैलस टाइप के बेसिस पे देखते हैं क्लासिफिकेशन तीसरे टाइप का क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन थेल टाइप बेस्ड ऑन ऑनस टाइप हेलस टाइप के ऊपर जो बेस्ड क्लासिफिकेशन है उसमें तीन टाइप के होते हैं ये ठीक है यही लिख लेते हैं अपन थ्री टाइप्स के होते हैं बहुत इजी है ये और समझने में भी आसान है एक का नाम है क्रस्टोज लाइकेन क्रस्टोज लाइके दूसरा है फोलियोज लाइकेन्स और जो तीसरा है वो है फ्रूटिकोज लाइकेन्स फ्रूटिकोज लाइकेन्स एक तरीके से देखा जाए तो ये इनका जो क्लासिफिकेशन है ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ भी है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ क्रस्टोज लाइकेन फोलियोज लाइकेन फ्रूटिकोज लाइकेन और इसका क्या मीनिंग होता है कैसे होता है बात करते हैं क्रस्टोज अब इस लाइकेन का मतलब क्या है जैसे कोई चट्टान होती है उसकी सरफेस होती है ये उस चट्टान की सरफेस पर स्टिकर की तरह चिपक जाते हैं स्टिकर चिपकाते ना अपन दीवार पे स्टिकर चिपका दिया या गाड़ी पे चिपका दिया कांच के ऊपर चिपका दिया इतना टाइट चिपक जाता है वो आप उस स्टिकर को खींचते हो तो वो स्टिकर फट जाता है पर उसके चिपका हुआ रहता है इतना टाइटली ये चिपकते हैं तो क्रस्टोज लाइकेन कौन है जो क्रस्ट की तरह चिपका हुआ रहता है उसे क्रस्टोज लाइकेन कहते हैं दूसरा आगे बढ़ो फोलियोज लाइकेन पोलियोज का मतलब होता है लीफ ये लीफ के जैसे दिखते हैं अब लीफ में तो एक पीटीओल भी होता है ना छोटा सा तो इनके अंदर भी एक छोटा सा पार्ट होता है फिलामेंट जैसा सा वो तो चिपका रहता है नीचे और बाकी पार्ट एक लीफ की तरह खड़ा रहता है तो ये फोलियोजलाइकेन हो गए प्रूटिकोज उनसे भी बेटर है, इनमें तो ब्रांचेस भी निकलती है बड़े से दिखते हैं ये शब झाड़ी जैसे से दिखते हैं तो ये क्लासिफिकेशन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स टाइप का भी हो गया अब अपन एक एक करके लिख लेते हैं नस्टोज लाइकेन्स वो कैसे होते हैं इनकी बॉडी होती है थिन एंड फ्लैट और क्लोजली एडहेयर टू सबस्टेटम या आप बोल सकते हो रॉक रॉक या सबस्ट्रेटम से क्लोजली एडहेयर रहते हैं इसके अंदर कौन कौन आएगा देखो एग्जाम्पल्स में आपको एक सिंपल सी ट्रिक टाइप का सा कुछ बताने की कोशिश करता हूं आपको याद रखना है आर आर एल एल अब आपको जैसे याद रहे वो वैसे रख लेना डबल आर डबल एल आर एल आर एल एल आर एल आर एल एल आर आर जो याद रहे वो रखना एक आर का मतलब है राइजो एक आर का मतलब है रीनोडीना रीनोडीना एक एल का मतलब है लेकानोरा और एक एल का मतलब है लेसिडिया अब ये तो हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के इसके अलावा भी इसके अंदर है जैसे एक है ग्रेफिस एक है हेमिटोमा हिमेटोमा। होगा लेसिडिया हो गया राइजोकार्पन हो गया स्ट्राइगुला एक है वेरुकेरिया तो ये हो गया क्रस्टोज़ लाइकेन के बारे में क्रस्टोज़ लाइकेन की ऐसे स्ट्रक्चर समझ में क्या ही आएगी पर फिर भी बना देता हूं जैसी बनी हुई है बुक के अंदर देखेंगे आप तो इस तरीके की स्ट्रक्चर इनकी मिलती है ये इस तरीके से सबस्ट्रेटम से चिपके हुए से रहते हैं दूसरा बात करते हैं अपन पोलियोज लाइकेन पोलियोज का मतलब होता है कि इनकी बॉडी लीफ लाइक होती है लीफ लाइक बॉडी इस लीफ लाइक बॉडी के अंदर आ, ये विथ द हेल्प ऑफ राई जीन्स अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम स्टेटम से चिपके हुए रहते हैं कौन कौन आएगा फोलियोज लाइकेन के अंदर इसमें आपको याद रखना है एक तो डर्मेटोकार्पोन, डर्मेटोकार्पोन, एक याद रखना है आपको पार्मेलिया एक आपको याद रखना है पेल्टीगेरा एक याद रखना है फाइसिया एक याद रखना है कोलेमा एक याद रखना है जेंथोरिया ये हो गए लाइकेन वाले प्रूटिकोज लाइकेन अच्छा इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का सा होगा जैसे ये कोई लीफ जैसी सी स्ट्रक्चर है और ये लीफ जैसी स्ट्रक्चर राइजीन्स की मदद से ऐसे चिपकी हुई है ये तो होते हैं राइजीन्स और ये हो गई मेन बॉडी ऊपर लाइकेन्स जो होते हैं वो वेरी वेल डेवलप्ड होते हैं एक तो वेल डेवलप्ड प्रूटिकोज लाइकेन है वो आ, ब्रांच्ड होते हैं ये श्रब लाइक -like होते हैं मतलब तो ये झाड़ी जैसे से दिखते हैं थोड़े और एक इनके अंदर म्यूसिलेज डिस्क होती है म्यूसिलेज डिस्क की हेल्प से अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से तो ये इनके बारे में हो गया हमारे पास में अब इसमें कौन कौन आएगा आ, एक तो इनके अंदर आता है क्लेडोनिया क्लेडोनिया है वो इरेक्ट होता है सीधा खड़ा रहता है इरेक्ट और एक आता है असनिया और जो असनिया है वो उल्टा लटका हुआ रहता है हैंगिंग कंडीशन के अंदर उल्टा लटका हुआ रहता है, हैंगिंग रहता है। फिर उसके बाद और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे रेमेलिना रेमेलिना एक एग्जाम्पल एक है एलेक्टोनिया एलेक्टोनिया एक एग्जाम्पल एक है लेथारिया तो ये तो हो गए इनके बारे में और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो भी एकदम इस तरीके से अजीब सी होती है ये ब्रांच होते हैं और म्यूसिलेज की एक डिस्क टाइप की सी होती है इनके पास नीचे जिससे ये चिपके हुए रहते हैं यहाँ पर ऐसे कांटे से कांटे से लगे होते हैं इनके ऐसे तो ये है हमारे पास में फ्रूटिकोज लाइकेन के बारे में अब आपको कुछ और स्पेशल बातें बता दूं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपन लिख लेते हैं करके देखिए जब आ, कभी कभी रेयरली ऐसा होता है रेयरली कि एक लाइकेन के अंदर एलगी एंड फंजाई आर इन इक्वल अमाउंट ऐसा कभी कभी होगा कि एलगी और फंजाई इक्वल अमाउंट में है बराबर बराबर मात्रा में है ठीक है ऐसा अगर होगा तो ऐसे थेलस को कहेंगे या ऐसे एलगी को कहेंगे ओमियो मेरस थैलस थैलस होता है ये जो होमियोमेरस थैलस है इसमें एग्जाम्पल्स कम आते हैं और जो एग्जाम्पल्स है वो जरूर याद रखना लेप्टोजियम लेप्टोजियम और एक याद रखना क्ले सॉरी कोलेमा कोलेमा लेप्टोजियम और कोलेमा दोनों के दोनों हैं वो इस कैटेगरी के हैं कि इनमें बराबर मात्रा में एल्गी एंड फंजाई होते हैं देन नेक्स्ट इनके कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं अपन इंटरनल स्ट्रक्चर इनकी ये इंटरनल स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है वेरी कॉम्प्लेक्स वेरी कॉम्प्लेक्स बात करते हैं इनमें सबसे बाहर की तरफ एक थिक कवरिंग पाई जाती है और ये थिक कवरिंग पंजाई की बनी होती है मेन बात यह है कि इस थिक कवरिंग के अंदर छोटे छोटे पोर्स भी पाए जाते हैं और ये छोटे छोटे पोर्स हैं इन्हें कहते हैं ब्रीदिंग पोर इनको ब्रीदिंग पोर कहते हैं ब्रीदिंग पोर की जो फंक्शनिंग है या ब्रीदिंग पोर है वो स्टोमेटा के एनालोगस माने गए हैं एनालोगस वो होते हैं जिनका ओरिजिन डिफरेंट होता है फंक्शन सेम करते हैं तो लाइकेन अलग चीज़ है और इस्टोमेटा तो ग्रीन प्लांट्स में पाए जाते हैं वो अलग चीज़ है पर दोनों का काम सेम सेम सा होता है इसलिए इनको एनालोगस माना गया है तो एक तो सबसे पहले सबसे बाहर की तरफ पाया जाता है फंजाई का एक थिक कवरिंग इसको बोलते हैं आउटर कोर्टेक्स सब कुछ चीजें मैं समझा दूंगा आप टेंशन मत लीजिए ये हो गया फंजाई का आउटर कोर्टेक्स अभी इसमें अपन लेबलिंग बाद में करेंगे उसके बाद इसके ठीक नीचे आपको एलगी के लेयर्स मिलेंगे और इनमें भी जो रिप्रोडक्शन हो रहा होता है वो वाली लेयर मिलती है रिप्रोडक्टिव लेयर ऑफ एलगी मिल जाती है और ये सेल्स हैं सिंगल सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन करेंगी इनकी एक लेयर प्रेजेंट होती है ये अलग ही जोन है ये एल्गी का जोन है आपसे क्या पता सीक्वेंस uh, पूछ ले कि बताओ लाइकेन की इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर किस सीक्वेंस के अंदर पाए जाते हैं एलगी फंजाई फंजाई एलगी पंजाई एलगी एलगी फंजाई ऐसे करके ऑप्शन बन सकते हैं बहुत सिंपल सा फिर उसके बाद में एक सेंट्रल पार्ट होता है और जो सेंट्रल पार्ट है वो ऐसे फिलामेंट्स का बना होता है और आपको पता है फिलामेंट्स किसके होते हैं पंजाई के ये काफी ढीला ढाला सा पार्ट होता है मतलब इसके अंदर काफी स्पेस पाया जाता है फिर उसके नीचे वापस से पंजाई की लेयर्स पाई जाती हैं। इस पार्ट को कहते हैं लोअर कोर्टेक्स जैसे अपर कॉर्टेक्स था वो और ये लोअर कोर्टेक्स है ये लोअर लोअर है, देन के बाद में कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है रूट लाइक -like, इन्हें राइजोजीन्स कहते हैं ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें राइजोजीन्स कहते हैं ये ऐसे प्रेजेंट होगी ये हो गया हमारे पास में इंटरनल स्ट्रक्चर का कंप्लीट अब अपन बात कर लेते हैं यहां पर जो आपको स्टोमेटा जैसी संरचना दिख रही है इनको कहते हैं ब्रीदिंग पोर्स ये हो गए ब्रीदिंग पोर्स ब्रीदिंग पोर्स का नाम होता है सिफेली। इनका नाम है सिफेली ये पाए जाते हैं पारमेलिया के अंदर पारमेलिया में सिफेली पाए जाते हैं। और ये एनालोगस होते हैं स्टोमेटा के दे आर एनालोगस टू स्टोमेटा एनालोगस टू स्टोमेटा फिर उसके बाद में ये जो नीचे का पार्ट है मतलब पूरा पार्ट है ये ये कहलाता है अपर कॉर्टेक्स अपर कॉर्टेक्स और ये अपर कॉर्टेक्स क्या है ये फंजाई का बना हुआ पार्ट है दिस इज मेड अप ऑफ फंजाई पंगल पार्टनर का बना हुआ पार्ट है अपर कॉर्टेक्स और ये राइट एंगल्ड हाइफी होते हैं इसके अंदर नब्बे डिग्री के कोण पर जचे हुए राइट एंगल्ड हाईफी फिर उसके बाद में जो नीचे वाला पार्ट है ये पार्ट एलगी की लेयर होती है एलगी लेयर इसको बोलते हैं गोनीडियल लेयर गोनीडियल लेयर गोनी गोनीडियल लेयर है ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं ये सेल्स रिप्रोडक्शन करती है सो दीज आर रिप्रोडक्टिव सेल्स देन इसके नीचे का जो पार्ट है ये वापस फंजाई का बना हुआ है इसे मेड्यूला कहते हैं सेंट्रल पार्ट है ये मेडुला मतलब सेंट्रल पार्ट और ये बना हुआ है फंजाई का इसमें लार्ज स्पेस होते हैं लार्ज स्पेस और लास्ट में वापस आता है लोअर कॉर्टेक्स और लोअर कॉर्टेक्स है वो वापस से फंजाई का बना हुआ है वापस फंजाई कॉम्पैक्ट अरेंज होता है वो ऊपर वाला अपर कॉर्टेक्स है ये भी कॉम्पैक्टली अरेन्ज है ध्यान रखना कॉम्पैक्टली अरेन्ज और ये भी कॉम्पैक्ट पार्ट है सॉरी <coughs> देन सबसे नीचे ये राइजोजीन्स होते हैं राइजो राइजीन्स होते हैं तो बस ये हुआ हमारे पास में इनके बारे में ठीक है अब उसके बाद अपन बात करते हैं इनकी फिजियोलॉजी के बारे में फिजियोलॉजी ऑफ लाइकेंस दो लाइनें ही है बस और कुछ नहीं है पीजियोलॉजी ऑफ लाइकेंस इसके अंदर दो हाइपोथेसिस दे रखी है देर आर टू हाइपोथेसिस पहली हाइपोथेसिस है कि पंजाई है वो पैरासाइट होता है फंगी इज पैरासाइट लाइकेन के अंदर पंगी जो है उसको पैरासाइट माना है क्यों माना है क्योंकि बिना एलगी के ये सरवाइव नहीं कर सकता विदाउट एलगी इट कैन नॉट सरवाइव तो भाई पैरासाइट हुआ ना जैसे पैरासाइट जो होता है वो होस्ट के बिना सरवाइव नहीं कर सकता विदाउट एलगी इट कैन नॉट सरवाइव तो एक तो ये माना जाता है और जो दूसरी बात मानी जाती है वो ये है कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं बोथ हेल्प इच अदर सो इट इज द म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप हैबी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप ही दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर पाते इसलिए बेटर तो यही है कि म्यूचुअलिस्टिक कहा जाए नेक्स्ट बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि आ, एज लाइकेन ये तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन करते हैं पर अगर एलगी की बात करें तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा पंजाई करेगा तो अपन सिंपल देख लेते हैं रिप्रोडक्शन पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सिंपल ब्रेकडाउन होता है सेगमेंटेशन बाई फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस थैलस का फ्रेगमेंटेशन hmm. हो जाता है और थैलस का फ्रेगमेंटेशन किस में पाया जाता है मतलब ये फ्रेगमेंटेशन वाला रिप्रोडक्शन पाया जाता है अस्निया के अंदर रूटीकोज लाइकेन का एग्जाम्पल हैंगिंग लाइकेन है लटकता रहता है फिर दूसरे बात करते हैं अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ स्ट्रक्चर्स की वजह से होता है तो मैं आपको वो समझा देता हूं एक एक करके जैसे एक स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं सोरेडियम सोरेडियम अब ये सोरेडियम स्ट्रक्चर क्या है बड़ा आसान है ये है सिंगल सेल एलगी ठीक है ये एलगी है इस एलगी के चारों तरफ पंजाई हाइफी ऐसे कवरिंग बना लेगा बस इसे कहते हैं सोरिडियम तो इसमें यह पार्ट तो हो गया फंजाई और अंदर जो आपको दिख रहा है दैट इज एलगी पार्ट यह एलगी की सेल है नाउ यह ग्रे कलर का होता है ग्रेइश, वाइट ठीक है उसके बाद में ये रेन की वजह से बारिश की वजह से डी अटैच हो जाता है अटैच बाय रेन बरसात की वजह से डी अटैच हो जाएगा फिर उसके बाद आ, ग्रुप ऑफ सोरिडियम ग्रुप ऑफ सोरेडियम इसको बोलते हैं सोरेलिया सोरेलिया कहलाता है ये इसमें पाया जाता है पार्मेलिया और का में एग्जाम्पल कौन आ जाएगा एक तो आएगा पार्मेलिया और एक आएगा ये दो आ जाएंगे अपने एग्जाम्पल के अंदर इसमें चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट दूसरे टाइप का रिप्रोडक्शन यही समझ लेते हैं दूसरे टाइप के रिप्रोडक्शन में आउटग्रोथ्स बनती हैं। इन्हें कहते हैं इसीडियम इसीडियम। इसीडियम में क्या होता है कि जो थैलस की सरफेस है उस सरफेस से इस तरीके से आउटग्रोथ्स बन जाती हैं। इसे कहते हैं इसीडियम और बहुवचन होगा तो ईसीडिया कह, दे, कह देंगे ये है ईसीडीआ दो है ना इसलिए बस ये कुछ नहीं है ये आउट ग्रोथ है आउट ग्रोथ नाउ इनके बारे में एक दो पॉइंट लिख लेते हैं एक तो ये है कि दे इंक्रीज सरफेस एरिया इनक्रीज ओटो सिंथेटिक एरिया ओटो सिंथेटिक एरिया बस इतना सही है बाकी ये लिख दिया ना आउटग्रोथ होती है और ये सरफेस है सरफेस से आउटग्रोथ निकलती है फिर उसके बाद में आ, इनकी शेप अलग अलग होती है शेप वेरी शेप जो है वो वेरी करती है जैसे एक होती है रोड शेप की सीधी रोड शेप की होती है रोड शेप की पाई जाती है पारमेलिया के अंदर दूसरी होती है स्केल लाइक मछली के जो स्केल्स होते हैं स्केल शेप की वो होती है कोलेमा के अंदर तीसरी सिगार लाइक ये होती है असनिया के अंदर और एक है कोरल राइक कोरल लाइक और ये होती है पेल्टीगेरा के अंदर पेल्टीगेरा बस इतना सा अपने को याद रखना है इसके बारे में नाउ अगली जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है सिफेलोडियम के ये तीसरी स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं डीएम सिफेलोडियम स्ट्रक्चर क्या होती है एक्चुअली मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लो कि ये कोई एक लाइकेन है ठीक है ये लाइकेन है और सपोज करो ये भी कोई दूसरा लाइकेन है लाइकेन इस लाइकेन से सोरिडियम बनता है सोरिडियम अभी बताया ना सिंगल सेल एलगी और इस तरीके का ये सोरिडियम दूसरे लाइकेन के ऊपर जाके गिर जाता है यहां पे गिर जाता है और ऐसे करके बहुत सारे लाइकेन के सोरिडियम यहाँ गिर जाते हैं तो यहाँ एक खुरदरी स्ट्रक्चर बन जाती है इसको बोलते हैं सीफेलोडियम सीफेलोडियम समझ में आ गया ये जब एक लाइकेन की सोरिडियम दूसरे लाइकेन के ऊपर गिर जाती है तो वार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनती है उसे कहते हैं सीफेलोडियम तो सीफेलोडियम क्या होता है दिस इज द स्मॉल वार्ट लाइक स्ट्रक्चर्स ठीक है वार्ट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है ये प्रोड्यूस्ड इनसाइड और आउटसाइड द दस होती है इनसाइड और आउट साइड द थैलस सरफेस से सरफेस के ऊपर गिर के मान लो थैलस के अंदर चली जाए तो ये इनसाइड आउटसाइड दोनों जगह प्रेजेंट हो सकती है एक्चुअली होता क्या है कि सोरेडिया बहुवचन है सोरिडियम का ऑफ वन लाइकेन डिया ऑफ वन लाइकेन पाल ऑन अनादर लाइकेन एक लाइकेन का सोरिडिया दूसरे वाले के ऊपर गिर जाता है तो इससे ये बनती है अब उसके बाद में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है अहमद जिन मद जन इन्होंने ये देखा कि कुछ लाइकेन में एलगी है वो ए प्लानोस्पोर बनाते हैं ही रिपोर्टेड ही रिपोर्टेड रिपोर्टेड, रिपोर्टेड ए प्लानोस्पोर इन सम लाइकेंस और कुछ दे नहीं रखा बस इतना सा ही लिखा हुआ है अहमद जन ने ए को रिपोर्ट किया था देन उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन ये भी ऊपर जो हम पढ़ रहे थे वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं अपन पर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं विथ रिगार्ड्स ऑफ पर्टिकुलर मेंबर जैसे एलगी है वो तो करेगा सेल डिवीजन सिंपल और अहमद जन ने कुछ एप्लानोस्पोर देखे और जो फंजाई पार्ट है वो करेगा कोनिडिया द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक फिर एकदम छोटा सा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी एकदम छोटी सी क्यों है क्योंकि एक तो जो एलगी है वो तो करता नहीं है डू नॉट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो फंजाई है वो फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे ही करेगा जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज वाले करते हैं क्यों क्योंकि हमने लिखा ना कि भाई फंजाई जो है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज का होता है तो फंजाई के लिए हम लिख सकते हैं कि लाइक एस्को एंड बेसिडियोमाइसिटीज जो बेसिडियोमाइसिटीज का होगा वो बेसिडियोमाइसिटीज के जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और जो एस्कोमाइसिटीज का होगा वो एस्कोमाइसिटीज के जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा अलग से कुछ नहीं है वही फीमेल पार्ट बता दिया मैंने कार्पोगोनियम कहलाती है कोइल्ड पार्ट एस्कोगोनियम ऊपर का जो फिलामेंटस है वो ट्राइकोगानी कहलाता है मेल पार्ट स्पर्मेटोगोनियम कहलाता है उसमें स्पर्मेटिया बनेंगे और वो बाई एयर बाई वाटर पहुंच जाएंगे ट्राइकोगानी तक मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई वाला ही है तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं है अब अपन बात करते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बारे में इकोनॉमिक इंपोर्टेंस लाइकेन की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे टाइप की है एक चीज मैंने आपको यह बताई थी कि हर लाइके न वो किसी ना किसी टाइप का कोई केमिकल रिलीज करता है तो वो केमिकल की हेल्प भी बहुत सारी मिल जाती है ह्यूमन को भी मिल जाती है नेचर में और भी मिल जाती है इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो जैसे एज इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। व्यूलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यदि सुन रखा है कि जब लिथोसियर सक्सेशन होता है तो उस लिथोसियर सक्सेशन के अंदर ये क्या करते हैं ये पायोनियर का रोल प्ले करते हैं तो दे आर पायोनियर इन लीथोसियर लीथोसियर सक्सेशन में पायोनियर का काम करते हैं इनका जो क्रम है आने का क्रम सबसे पहले कौन आता है फिर कौन आता है फिर कौन आता है ये वही क्रम है जो हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था सबसे पहले सबसे सिंपल है क्रस्टोज 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 खत्म हो जाएंगे उसके बाद में आएंगे फोलियोज और फोलियोज के बाद आएंगे फ्रूटिकोज तो इनके आने का ये क्रम है वो एकदम वही रहेगा जो पढ़ रखा है सिंपल देन नेक्स्ट देखते हैं एक और चीज एज इकोलॉजी ही बात करते हैं अपन कि ये जब चट्टान के ऊपर ग्रो करते हैं ऑन रॉक ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जैसे कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड जैसे कि ये ऑक्सैलिक एसिड कार्बोनिक एसिड रिलीज करेंगे ऑक्सैलिक एसिड रिलीज करेंगे और इन दोनों एसिड्स के कारण विदरिंग ऑफ रॉक होती है विदरिंग विदरिंग ऑफ रॉक और विदरिंग ऑफ रॉक होगी तो सॉइल फॉर्मेशन होगा सोइल फॉर्मेशन को क्या कहते हैं पीडोजेनेसिस सॉइल फॉर्मेशन का मतलब हो गया पीडोजेनेसिस पीडोजेनेसिस और पीडोजेनेसिस कराने के कारण इनको कहते हैं फार्मर ऑफ नेचर लाइकेन्स को क्या कहते हैं फार्मर ऑफ नेचर इनको फार्मर ऑफ नेचर भी कहते हैं सिंपल चीज समझ में आ गई सारी की सारी सो so, ये हुआ हमारे पास में इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू इनका कि इकोलॉजी के हिसाब से ये कैसे कैसे क्या क्या काम आते हैं नाउ नेक्स्ट बात करते हैं एज फूड एज फूड ये जानवरों के भी काम आते हैं जैसे पहला है याद रखें आप क्लेडोनिया रेंजीफेरा क्लेडोनिया रेंजीफेरा इसका बॉटनिकल नेम है तो आर स्मॉल आएगा स्पीसीज में क्लेडोनिया रेंजीफेरा इसको बोलते हैं रेंडियर मोस रेंडियर मॉस ठीक है और यह टुंड्रा रीजन में पाया जाता है रेंडियर जो हिरण होता है वो टुंड्रा में होता है टुंड्रा साइड में होता है तो वहां पर यह होगा दूसरा है कैटरेरिया आइलैंडिका कैटरेरिया आइलैंडिका कैटरेरिया आइलैंडिका है इसको कहते हैं आइलैंड मॉस ये मोस नहीं है फिर भी इनका नाम मोस है एक होता है पारमेलिया। पारमेलिया को कहते हैं रॉक फ्लावर पारमेलिया का दूसरा नाम है रॉक फ्लावर और ये रॉक फ्लावर कैसे काम आता है साउथ इंडिया के अंदर करी पाउडर बनता है करी पाउडर इन साउथ इंडिया तो साउथ इंडिया के अंदर करी पाउडर बनेगा एक है आ, एंडो कार्पोन और लेकानोरा एंडो कार्पोन ये एज वेजिटेबल यूज होता है एज वेजिटेबल इन जापान एक है लेका नोरा ये भी खाने के काम आता है इसका दे नहीं रखा है क्या काम आता है तो आप ऐसे लिख लीजिए आने का लायक तो है ये और एक है अम्बली केरिया अम्बली केरिया एस्कुलेंटस डेलिकेसी इन जापान डेलीकेसी इन जापान मतलब जापान में इसको बड़े इज्जत के साथ खाया और खिलाया जाता है ठीक है ना डेलीकेसी फिर उसके बाद में जो लाइकेन्स होते हैं इन बस इतना ही इसके बारे में लाइकेन्स होते हैं ना उन लाइकेन्स के अंदर एक एसिड पाया पॉलीसेकेराइड पाया जाता है जिसका नाम है लाइकेनिन 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 एक टाइप का पोलीसेकेराइड है पोली सेकेराइड लाइकेनिन इज ए टाइप ऑफ पोलीसेकेराइड और ये जो लाइकेनिन है ये अलग टाइप का पोलीसेकेराइड है लाइकेन्स के अंदर ट्रू स्टार्च एब्सेंट होता है लाइकेंस में ट्रू स्टार्च है वो एबसेंट है हालांकि पोलीसेकेराइड की ही पोलीसेकेराइड uh, है ये भी शुगर का ही फॉर्म है बट एक स्टार्च स्टार्च ही होता है उसकी बात अलग है तो वो इनके अंदर एबसेंट रहता है और उसके बाद में एज डाई कलर इस्तेमाल के लिए कलर की तरह कौन इस्तेमाल होता है लिखें आप एज डाई तो एक है लिटमस एसिड बेस पता करने के लिए लिटमस ये है एसिड बेस इंडिकेटर यह एसिड बेस इंडिकेटर किससे मिलेगा रोकेला की डिफरेंट स्पीसीज से आप तो रोकेला याद रखना रोकेला स्पीसीज कई सारी स्पीसीज है रोकेला की उनसे मिलता है और एक ये मिलता है लेसा लिका लेसा लिका पस्टूलाटा लेसा लिका पस्टूलाटा उससे भी मिलता है ये देन दूसरी जो डाई है उसका नाम है ऑर्किल ऑरकि हिस्टोलॉजिकल स्टेन में काम आती है हिस्टोलॉजिकल स्टेन उत्तक का अभिरंजन करने के लिए इसके अंदर ओरेसिन प्रेजेंट होती है ओरसिन प्रेजेंट होती है और सिन प्रेजेंट होती है और सिन ये ब्लू कलर की होती है एक तो ब्लू कलर और ये पाई जाती है फ्रॉम रोकेला लेकानोरा और कैटरेरिया कैटरेरिया आइलैंडिका का तो ये तीन और किल के बारे में हो गया फिर बाद में ब्राउन डाई है एक ये ब्राउन कलर की डाई है पारमेलिया से मिलती है फ्रॉम पारमेलिया। बस इतना तो एक बार अपने को इसमें करना है फिर उसके बाद में एज मेडिसिन इनका उपयोग मेडिसिन में भी काफी अच्छा होता है एज मेडिसिन कौन कौन से हैं और क्यों है एज मेडिसिन ये काम आते हैं ड्यू टू लाइकेनिन एंड एस्ट्रिंजेंट्स एस्ट्रिनजेंट्स एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं ना जो स्किन को थोड़ा टाइट सा करने के काम आते हैं वो एस्ट्रीनजेंट्स टाइप है अब इसमें एक एग्जाम्पल लिखेंगे अपन पार्मेलिया का पार्मेलिया परलाटा पार्मेलिया परलाटा यह किस में काम आता है डिस्पेप्सिया नाम की एक डिजीज है डिस पेप्सिया और उसके अलावा किसी को यदि सांप या स्कॉर्पियोन, बिच्छू बाइट कर जाए तो उसमें काम आता है दूसरा है क्लेडोनिया कैटरेरिया एंड पर्टुसेरिया, तीन है ये लेडोनिया कैटरेरिया और पर्टू सेरिया ये इंटरमीटेंट फीवर में काम आते हैं इंटरमीटेंट फीवर इंटरमीटेंट फीवर क्या होती है कभी कभी ऐसा होता है ना रुक रुक के बुखार होती है अपने को कई बार ऐसे हो जाता है कि भाई एक दिन बुखार हो गई फिर ठीक हो गए फिर वापस बुखार हो गई दो तीन दिन में फिर ठीक हो गए फिर वापस बुखार हो गई उसे कहते हैं इंटरमीटेंट फीवर फिर उसके बाद में नेक्स्ट है क्लेडोनिया पिग्जी डाटा ये इंपॉर्टेंट लगा लेना क्ले डोनिया पिग्जी डाटा यह वूफिंग कफ में काम आती है वुफिंग कफ देन नेक्स्ट असनिया अस्निया से जो मिलता है एसिड और वो ब्लीडिंग रोकने के काम आता है स्टॉप ब्लीडिंग ब्लीडिंग रोकने के काम आएगा तो ये हो गया मेडिसिन और उसके बाद में आ, एक और है लोबेरिया और दूसरा है कैटरेरिया ये दोनों ट्यूबर एंड लंग डिजीजेज में काम आते हैं ट्यूबर कुलोसिस एंड लंग डिजीजेज में काम आते हैं फिर उसके बाद में एक और है पार्मेलिया सेक्जीटेलिस ये काम आते हैं कर्लिंग एपिलेप्सी एल्टीगेरा हाइड्रोफोबिया में काम आता है किसी को पानी से डर लगने लग जाता है बताओ उसमें काम आता है ये और आ, जेंथोरिया जॉइंटिस में काम आता है जेंथोरिया डिस्क के अंदर काम आता है फिर उसके बाद में एक है एट्रेरिया की स्पीसीज कैटरेरिया जूनीपेरुना इससे केमिकल मिलता है जिसको कहते हैं पीनेस्ट्रीनिक एसिड पीनेस्ट्रीनिक एसिड और एक दूसरी स्पीसीज है लेथारिया वल्पाइना लेथारिया वल्पाइना को कहते हैं वोल्फ मोस इससे केमिकल मिलता है वल्पेनिक एसिड और ये वल्पेनिक एसिड और पिनेस्ट्रिनिक एसिड दोनों पॉइजन जहर होते हैं ये पॉइजन है दोनों के दोनों ठीक है उसके बाद एक बात कर लेते हैं अपन फॉरेस्ट फायर की अस्निया जो है उसके बारे में असनिया असनिया को कहते हैं ओल्ड मॉन्क बियर्ड बूढ़े साधु की डाडी यह बहुत ज्यादा इनफ्लेमेबल होता है इन फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल होने के कारण जंगल में आग लग जाती है इसके कारण ये फॉरेस्ट फायर के लिए रेस्पॉन्सिबल है फॉरेस्ट फायर के लिए रेस्पॉन्सिबल है तो असनिया के बारे में आप ये चीज याद रखिएगा फिर उसके बाद आ, कैटरेरिया आइलैंडिका और लेबोरिया ये दोनों के दोनों लेदर को कलर करने के काम आते हैं लेदर कलरिंग में काम आते हैं ठीक है फिर उसके बाद में एक है इवेरनिया और एक है रामालीना प्रोटिकोज है ये दोनों के दोनों से इसेंशियल ऑयल मिलता है सुगंधित ऑयल मिलता है और उससे कॉस्मेटिक सामान बनते हैं कॉस्मेटिक्स में काम आते हैं ये नेक्स्ट फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन के अंदर भी काम आते हैं एक और रामालीना की स्पीसीज है रामालीना कैलिकेरिस रामालीना कैलिकेरिस है।, रामा है वो जो नकली बाल होते हैं ना उनको वाइट कलर करने के लिए काम आता है वाइटनिंग ऑफ हेयर्स इन विग्स विग्स होते हैं नकली बाल वाले तो उनमें काम आता है फिर उसके बाद में क्लेडोनिया रेंजीफेरा रेंजीफेरा एक रामालीना रामालीना प्रेगजीनिया प्रेगजीनिया फिर उसके बाद में है कैटरेरिया और एक है लेकानोरा कहा जाता है कि फर्मेंटेशन में काम आते हैं यूज्ड इन फर्मेंटेशन इन रशिया स्वीडन एंड साइबेरिया साइबेरिया एक और चीज है ऐसे एरिया जहां पर लाइकेन्स ग्रो नहीं कर सकते उनको लाइकेंड डेजर्ट्स कहते हैं लाइकेन डेजर्ट्स आप सोचिए कि सवाल बन सकता है आपके सामने कि व्हाट आर लाइक डेजर्ट्स ऑप्शन में दे दिया ए डेजर्ट वेयर ओनली लाइक कैन ग्रो ठीक है ए डेजर्ट वेयर सम लाइक एन स्पीसीज आर ग्रो तो इस तरीके का एक सवाल बन सकता है लाइक डेजर्ट्स और लाइक एन डेजर्ट्स के अंदर क्या लिख सकते हैं अपन दीज आर द एरिया वेयर लाइक डू नॉट ग्रो जहां लाइकेन ग्रो नहीं होते उन्हें कहते हैं डेजर्ट एरिया और ये कौन से एरिया होते हैं जहां इंडस्ट्रीज होती है इन इंडस्ट्रीज तो इंडस्ट्रियल एरिया जो होते हैं वहां लाइकेन्स ग्रो नहीं करते इन्हें डेजर्ट एरिया कहते हैं तो इस प्रकार ये हमारा लाइकेन वाला टॉपिक कंप्लीट है थैंक यू